रियल स्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल योर सर्च एंड्स हियर जी आप सुन रेडियो वॉइस ऑडिशन पोल्स राइटम चल रहा है ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। स्टूडेंट नंबर जो है उसे नोट कर लीजिए 9052269109 9052269 9 इज द स्टूडेंट नंबर टू कॉल वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको एडवर्टाइज करना है 416 475 5000 4 1 6 4 7 5 5000 इज द नंबर टू कॉल या फिर टेक्स्ट। बातों का सिलसिला खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं एंड आप सभी का इंतजार था बिल्कुल क्योंकि वेंसडे का दिन है इस सेगमेंट के एंड वाई मीडिया के मेन स्पॉन्सर रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कोई भी अगर आपका सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कोई आपने रिपोर्ट पढ़ ली, कोई अपडेट पढ़ ली, आपके खुद के अगर कोई सवाल है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं लाइव कॉल करके स्टूडियो नंबर पे 9052269109 9052269 9 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। अ वेरी वार्म वेलकम टू वाई मीडिया पीके जी, कैसे हैं आप सर? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू आवर लिसनर्स जी। बिल्कुल पीके जी, एंड हर वेंसडे इसी दिन का एक तरीके से वेट ही होता है इसी टाइम का कि आप आएंगे एंड रियल एस्टेट की ढेर सारी जो अपडेट्स है वो देते हैं एंड नॉट जस्ट रियल एस्टेट, ऐसे आप बातें भी करते हैं ना पीके जी, तो जो लाइफ के लेसन भी पता लगते हैं आई थिंक दैट इज ऑल्सो ब्यूटी ऑफ इट, सो थैंक यू सो मच भाई। वो लाइफ के लेसन मेरे को मेरे पेरेंट्स से आए, मैंने आगे बोल दिए, मैंने कौन सा, मैंने अपने अंदर भी बात रखी नहीं, माँ से आया आगे कर दिया, बात खत्म। क्या बात है अपने अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, क्या आई थिंक यही होना चाहिए, जो आया आगे कर दिया, ऐसे ही होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने से ही नॉलेज वो शेयर करते हैं ना हम एक तरीके से, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। थैंक यू सो मच पीके जी। हमारे लिस्टर्स को मैं दोबारा जरूर बता दूं, स्टूडेंट नंबर नोट कर लीजिए 9052269109 9052269109 यानी कि 9052269109 इज द स्टूडेंट नंबर टू कॉल। पीके जी स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट की अपडेट से, काफी सारी रिपोर्ट्स आई, स्पेशली क्रिया की भी एक रिपोर्ट आई है, तो उससे स्टार्ट करते हैं जी। अभी उन्होंने रिवाइज किया अपनी आउटलुक, जो पहले उन्होंने दी थी उसको रिवाइज कर दिया एक्चुअली, वो रिवीजन जो रिवाइज करी वो रिपोर्ट आई उनकी, वो कह रहे हैं कि कैनेडियन हाउसिंग मार्केट विल लाइकली स्टे न्यूट्रल अंटिल स्प्रिंग 2025। स्प्रिंग तक तो वो कह रहे हैं कि 2025 स्प्रिंग तक तो ये न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि कोई उतार चढ़ाव होने की उम्मीद नहीं है, ये फ्लैट रहने की उम्मीद है, ये वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो ये रेट कट वगैरह हुए थे इसका उन्होंने जो पहले रिपोर्ट दी थी कि भाई बायर मार्केट में आ जाएगा और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, वो नहीं हुई। अब उनका मानना है कि जैसे अभी इंटरेस्ट रेट और कम होने वाले हैं, जैसे अभी 23 अक्टूबर को भी होगा, आगे भी होगा, तो जाके उसका असर होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है ये MLS सिस्टम के अंदर 2024 के अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग 468,900 के करीब घर बिकेंगे, जो कि जो पहले थी उनकी जो रिपोर्ट थी वो उससे कम होंगे, क्योंकि वो सोच रहे थे एक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ी, लेकिन जो 5% टू इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 2023 अभी भी इंक्रीज ही होगा, लेकिन एक्चुअल से कम हो जाएगा, ये उनका मानना है। और इसी प्रकार वो जो प्राइस है वो कह रहे हैं कि अभी इस साल के अंत तक तो 0.9% के करीब चलेगा, बस 1%, बाकी वो कह रहे हैं इट विल राइज सिग्निफिकेंटली 2025 के स्प्रिंग तक, ये भी उसके बाद बढ़ना शुरू होगा, 4.4% प्राइस जंप की उम्मीद करी जा रही है, 683,000 एवरेज से बढ़कर 713,000 के करीब एवरेज हो जाएगा। और सेल भी वो कह रहे हैं कि इट विल गेन मोमेंटम, तो ये जो है 6.6% सेल और बढ़ने की उनको उम्मीद है। प्लस जो उनकी नेक्स्ट रिपोर्ट आनी है फोरकास्ट, वो 2025 जनवरी में आनी है, देखो क्या कहते हैं, पर ये अभी तक की रिपोर्ट है जी। बिल्कुल पीके जी, एंड वैसे एक और टॉपिक भी है जिसके बारे में लोग काफी इंटरेस्टेड जानना चाहते हैं, वो इन्फ्लेशन रेट एंड रिसेंट उसकी रिपोर्ट भी आई है, कोई नीचे नहीं 1.6% नीचे आ गया, जबकि सरकार भी इसके बारे में नहीं सोच पा रही थी, बैंक ऑफ कनाडा को भी उम्मीद नहीं थी, लोग कह रहे थे 0.1% नीचे आ जाएगा, ज्यादा 2 से 1.9 हो जाएगा या 2 ही रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो उम्मीद पहले थी हमारे को गैस प्राइजेस जो थे, ऑयल प्राइजेस, उनका बड़ा भारी हाथ रहा, पंप में जो लोअर प्राइजेस एट द पंप वो 10.7% नीचे आ गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का के अंदर बहुत बड़ा हाल रहा है इनका। ऊपर से जो है ना मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट कॉस्ट भी नीचे आ रही थी, उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा, हालांकि मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट
16.7% बढ़ी है फ्रॉम द लास्ट सितंबर, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट तीन बार कम हुए, तीसरा बार तो काउंट नहीं होगा इस इन्फ्लेशन के अंदर, लेकिन जो आपका जून और जुलाई काउंट हुआ उसका भी बड़ा भारी असर पड़ा। जैसे कि मैं कहता हूँ 30% ऑफ अवर इकोनॉमी वो डिपेंड करती है रियल एस्टेट के ऊपर, और रियल एस्टेट के जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो नेचुरली इन्फ्लेशन के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ने का कारण ये भी था कि इंटरेस्ट जो है प्राइम हमारा 7.2 तक चला गया था, वो खर्चा बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। ये हम भी कहते थे, सारे कहते थे कि इंटरेस्ट रेट कम करने का डबल बेनिफिट होगा, एक तो इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिट आम पब्लिक को होगा, आम इंसान को, दूसरा इन्फ्लेशन नीचे लाने में भी हाथ होगा। लेकिन सरकार का ये मानना था कि सिर्फ रियल स्टेट ही नहीं रहेगी, और भी बहुत कुछ होता है इंटरेस्ट के ऊपर, बाइंग पावर भी लोगों की उन्होंने खत्म करनी थी, कम करनी थी, तभी जाके जो है इन्फ्लेशन नीचे आता। खैर अभी वो खुद ही कह रहे हैं कि उनका जो टारगेट रेंज थी 1-3%, 1-3%, उसके अंदर वो आ चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं कि एक किस्म से उनको ग्रीन लाइट मिल गई है कि अब जल्दी जल्दी तेज तेज जो इंटरेस्ट कम करो। और देखो अगर कहें तो मैं इंटरेस्ट के ऊपर भी बात दो तीन मिनट कर लूं। जी जी प्लीज। अब वो इंटरेस्ट के लिए खुद ही उनकी बात में लग रहा है कि उन्होंने सिग्नल दिया है इस बात का कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट डाउनसाइड रिस्क, जो 1.6% चला गया उसका रिस्क है उनको इकोनॉमी का, तो मुझे लगता है कि वो झटके से तेज तेज इंटरेस्ट कम करेंगे। 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद हमें 23 अक्टूबर को हो चुकी है। नॉट ओनली बैंक ऑफ कैनेडा बल्कि जो 6 हमारे मेजर बैंक है उसमें से 5 बैंक ये कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट कम होगा। सिर्फ TD को छोड़ दीजिए, TD 50-50 कर रहा है, बाकी बैंक जो है वो कह रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट जो है 23 अक्टूबर को कम होगा, विच इज गुड न्यूज। बल्कि जो आपके बीमो के जो हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, असिस्टेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको तो ये उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट अक्टूबर 23 को और 50 बेसिस पॉइंट 11 दिसंबर को भी कम होगा। तो देखो ये मानना है बीमो के हमारे पोर्टर साहब का मानना है कि बिग इम्प्रूवमेंट हुई है जो इन्फ्लेशन के अंदर, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर अच्छी आने के बाद भी अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एंड कंज्यूमर एंड बिजनेस सेंटिमेंट जो है उसको देखते हुए वो कहने की बैंक ऑफ कनाडा के पास कोई और चॉइस नहीं है, दे विल ऑप्ट फॉर 50% 50 बेसिस पॉइंट रेट कट दिस मंथ। जी पीके जी बिल्कुल। एंड एक एक्चुअली सवाल है हमारे लिस्टनर का, सौरभ जी इनका नाम, एंड इन्होंने आपसे पूछा है कि जो सेलर्स है, व्हाट शुड सेलर्स एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड मार्केट कंपटीशन जब वो हेड कर रहे हैं इनटू 2025 गिवन द करंट क्लाइमेट इन रियल एस्टेट। जी आई वुड से नाउ दे आर ऑन द बैक सीट, नाउ इज अ बायर्स मार्केट बट विदाउट बायर। लेकिन सेलर्स को अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रुक सकते हैं तो रुक जाए, मेरे हिसाब से ये अगले साल अगर 6 महीने के लिए रुक जाए तो मुझे लगता है दे माइट गेट ए बेटर रिजल्ट। पीके जी आपने एक दफा कही थी कि बायर्स मार्केट है एंड नो राइट टाइम है रियल एस्टेट का, लेकिन बहुत सारे बायर्स स्टिल रुके हुए हैं, दे स्टिल वेटिंग। इसका रीजन क्या है? ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सीरिया ने भी तो यही कहा ना, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने, तभी तो उन्होंने दोबारा अपनी ये अनाउंसमेंट लेकर आया ना, ये उन्होंने इसको दोबारा लेकर आए। वो खुद ही इस बात से हैरान है कि वो नहीं उम्मीद कर रहे थे कि भी जिसे कहते हैं इस तरीके से बायर इंटरेस्टेड कम होने के बाद भी मार्केट में नहीं आएगा, और बायर जो है ये सोच रहा है कि अच्छी तरह इंटरेस्टेड कम हो जाए। पर मैं इसको दूसरे लहजे से बताना चाहता हूँ। इंटरेस्ट आज जैसे 6.45 हमारा प्राइम है, मान लीजिए जैसे बैंक ऑफ कनाडा कह रहे हैं वो ओवरनाइट 3% तक लेके आएंगे बाई मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो प्राइम हमारा लगभग 5% हो गया। और बैंक अगर मान लीजिए उस वक्त जब बैंक को भी पता चल जाता है कि अब ये रुक गया है, तो वो भी इसके अंदर वेरिएशन बड़ी कम करता है। मान लीजिए उन्होंने 1% कम कर दिया प्राइम के ऊपर, आपको 4% में दे दिया 5 ईयर क्लोज, वो तो आज ही मिल रहा है। आज बैंक 2.5% कम करके दे रहा है, आज भी 5 ईयर क्लोज 4% में बैंक दे रहे हैं आपको, तो फिर किस बात की वेट कर रहे हो? आज लेने का ये बेनिफिट है कि आज रीसेल में आपकी नेगोशिएशन है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो बिल्डरों से उसमें बड़े भारी इंसेंटिव हैं, लॉट ऑफ इन्वेंटरी मार्केट में बैठी हुई है, आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी का घर ले सकते हो, आप नेगोशिएट बड़ा अच्छा कर सकते हो, लो इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो, 30 ईयर अमोर्टाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हो, ये तो सारे बेनिफिट हैं, तो अब रुकने का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं उठता। जी बिल्कुल पीके जी, अनेक कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें भी ले लेते हैं ऑन एयर। वेलकम टू वाई मीडिया, आप ऑन एयर है, वेलकम, प्लीज गो अहेड। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके सर? हाँ जी सबरवाल, वो होता है ना जब सबको पता होता है कि एग्जाम आते हैं तभी वो बंदा पढ़ने बैठता है ना आखिरी दिनों में। नहीं तो वो क्या करता है, दही खा के जाता है, मैं पास हो जाऊंगा। नहीं वो समझ आती है, दही क्या कर लेती है, जब पढ़ा तो है नहीं तो सारा साल
और इम्तिहान देने के लिए जा रहा है, दही उसकी माँ भी उसको चम्मच से दही खिला दी, जा बच्चे अच्छा एग्जाम देना, तो फिर सारी पढ़ना बंद करके एग्जाम देते वगैरह जाए तो दही खा ले थोड़ी सी शुगर डाल के। नहीं सर देखिए, अभी समस्या ये है कि सबको पता है कि अभी रेट कम होना है ना, तो सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो जब तक ये पूरा डस्ट सब तक हो जाएगा कि हाँ सब कुछ हो चुका है या एक आध ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तब फिर लोग जागना चालू करेंगे। मुझे तो ये तब वेरी से कम हो जाएगी सर। हाँ बैंक आज बैंक क्यों देना चाहता है कि बैंक कल का रेट आज पकड़ना चाहता है, जब कल के रेट में कल जाओगे तो बैंक भी वहीं रुक जाएगा ना फिर। हाँ जी हाँ जी, बात तो ये है ना सर। नहीं अच्छा सर, आजकल मुझे लगता है ये बैंक और सरकार भी काफी मतलब स्टिमुलस कर रही है, लाइक इनको सपोर्ट कर रही है ना। जैसे मान लो कि कॉन्डो की वैल्यू डाउन हो गई है, फिर भी बैंक ना कभी कभी आंखें मूंद लेते हैं लोग कि चलो ठीक है हो गई दैट्स ओके, चल बिकने दो चलने दो, है ना। नहीं नहीं, तो ज्यादा परेशान नहीं करते, बजट अब आया है इतने मिलियंस का, उसमें से तो 40% तो सिर्फ बिल्डरों को जा रहा है, तो पता की घर बनाओ तो या ऐसी बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि अब हम बॉटम अप हो चुके हैं, तो अब आगे तो ऊपर ही जाना है, ये सबको पता है इस वक्त। हाँ जी, लेकिन जब तक भी अगेन जब तक ये पूरा सेटल नहीं हो जाएगा ना रेट का, बिकॉज जब तक वही टू, मेरा मानना नहीं है बात, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लोग कर रहे हैं आपकी बात, आपको सलाम, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैंने अभी प्रॉपर्टियां 3-4-5 खरीदी है, तो मैं तो जब अच्छी प्राइस मिलेगी, नेगोशिएशन अच्छी होगी, मैं तो कर लूंगा। ओके थैंक यू जी, थैंक यू सो मच गिरीश जी, बिल्कुल। एंड वैसे पीके जी, हम इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट की भी आपने बात करी थी, थोड़ा अगर आप डिटेल में समझाएंगे ना इसका जो इम्पैक्ट है हाउसिंग मार्केट पे ओवरऑल, नाउ इन द फ्यूचर क्या हो सकता है, कपल ऑफ जो लेटेस्ट स्टेजेस पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा इन एंड आउट अगर आप समझा सकते हैं। देखो आज सुबह की न्यूज आपने देख ली होगी, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेल है वो 1.3% कम हुई, आज सुबह की न्यूज है ना। जी जी, 1.3% कम हुई, यानी कि 69 समथिंग बिलियन आ गई। ये नीचे आई ना, तो नीचे आने का मतलब क्या, अब ऊपर जाएगी ना। ऊपर जा रही होती तो फिर क्या आदमी सोचता है नीचे आएगी ना, जब नीचे गई तो उसका मतलब क्या ऊपर जाएगी ना। एक तो ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, आपको मॉर्गेज के अंदर फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई, बिल्डर को स्टिमुलस जब इन्होंने बात की गिरीश जी ने, वो मिलना शुरू हो गया, उनके लिए बजट अलग बना दिया गया। ये सारी चीजें क्या बता रही है कि उन्होंने मार्केट नीचे नहीं जाने देनी, रियल एस्टेट प्राइस नीचे नहीं जाने देना, तो इसका मतलब फिर क्यों रुकना, सिंपल सी बात है। तो मार्केट ने अब ऊपर की तरफ जाना है, नीचे नहीं आना, मेरे हिसाब से रुक सकती है 2-4-6 महीने, पर नीचे गिरने की मेरे को उम्मीद नहीं है। इंटरेस्टिंग पीके जी, इनका सवाल है, राहुल जी का सवाल है वैसे आपके लिए, वो आपसे पूछना था, इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आई थिंक पहली बार शो में कोई पूछ रहे हैं, मतलब मेरे शो में एटलीस्ट, कि हाउ आर लग्जरी रियल एस्टेट एंड वेकेशन होम मार्केट्स परफॉर्मिंग कंपेयर टू मोर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट्स इन कनाडा एज ऑफ नाउ। ब्यूटीफुल, ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर की खरीदने का एक नजरिया ही कुछ डिफरेंट होता है। देखिए अब ये कॉटेज की बात कर रहे हैं, और ये कॉटेज कौन खरीदेगा, जिसके पास अपना घर होगा, जिसका फालतू पैसा होगा, उसने पैसा पार्क करना होगा, वही करेगा ना, उसका नजरिया ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। लग्जरी मार्केट के अंदर भी जो उनका इनकम की प्रॉब्लम नहीं है, लग्जरी मार्केट के अंदर उनकी चॉइस की मार्केट है। तो लग्जरी मार्केट और ये कॉटेज इंडस्ट्री, इस दोनों के अंदर जान आ गई है। मैं जब अपनी कॉटेज में जाता हूँ तो मैं वहां जाके देखता हूँ, एक्टिविटी स्टार्ट है, लोग आके पूछ रहे होते हैं, पड़ोसी देख रहे होते हैं, हमारे इधर फॉरसे लगा हुआ है, रियल्टर लाके हमारे पड़ोसी का घर दिखा के जा रहे होते हैं कॉटेज। उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनकी चॉइस ही बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके पास अप्रूवल वाली प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, तो उनकी चॉइस बदल जाती है। अब किसी ने कहा कि भाई बेंटली 5 लाख की और मर्सिडीज अच्छी कोई और X5 भी चलो कर लो तो वो 1.5 लाख की, तो वो तो बड़ी लग्जरी कार है, मत मारी हुई है हमारी जो हम बेंटली ले लें 5 लाख की। जो बंदा कह रहा है वो ठीक कह रहा है, पर जो उसकी नहीं सुन रहा, जो फिर भी बेंटली ले रहा है, वो भी ठीक कर रहा है, क्योंकि वो कहता है मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों ना एंजॉय करूं, क्या फर्क ना हो। अब देखिए अगर आप मान लीजिए कोई लग्जरी मान लो यज्ञा की या बर्बरी की कोई पैंट खरीदते हैं तो $600-700 से कम नहीं मिलती, पर अगर आपको ना बताया जाए और केविन क्लाइन या कोई और या बॉस की पैंट ले लो, वो $200 की है, $150 की है, और नीचे चले वॉलमार्ट में चले जाओ तो आपको वो पैंट $25-25 की मिल जाती है। तीनों कैटेगरी खुश है। 25 वाला कहता है ये बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों जाऊँ $150 में। 150 वाला कहता है कि इफ आई कैन अफोर्ड 150 बॉस तो मैं क्या जाऊँ जॉर्ज में, जॉर्ज ही बेचता है ज्यादातर वॉलमार्ट के अंदर, शायद जॉर्ज मेरे को लगता है जॉर्ज है, ऐसे ही कुछ है। तो जो बंदा 600-700 का वो ले रहा है बर्बरी पेंट, वो कहता है जी क्यों, बेटर है ये और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अब एक बात करूँ
बर्नार्डो कोसिलिनी, नाम सुना होगा आपने? जी जी, बर्नार्डो कोसिलिनी जी। अब बर्नार्डो कोसिलिनी की पेंट अगर देखो कितने की है, 6,000 डॉलर्स की, 6,000 मत मारी हुई है। जो आदमी 500 खर्च कर रहा है पागल है, दिमाग खराब है इसका। इसी प्रकार घरों के अंदर जो आदमी अफोर्ड कर सक रहा है अपार्टमेंट 4 लाख का, अगर उसको 6 लाख का दिखा देते हो कहते दिमाग खराब है, 4 लाख का बहुत अच्छा है। पर जो 6 लाख की कैपेसिटी वाला है उसको 4 लाख का दिखाओगे तो कहता क्यों, मेरे को तो 6 लाख वाला अच्छा लग रहा है। और जो 2 मिलियन वाला है वो कहेगा क्या हुआ है, दिमाग खराब है, 6 लाख का बिल्कुल ठीक नहीं है, हम तो 2 मिलियन वाला लेंगे। और 6 लाख वाले को अगर 2 मिलियन दिखा दोगे वो कहेगा पागल हो, इससे चलो घर ना ले लूं क्या। लेकिन ये नहीं बता आपको कि अभी हमने एक 18 मिलियन का कांडो बेचा है अपार्टमेंट, 18 मिलियन का। फिर तो लोग कहेंगे जी मिसाल रोड के ऊपर 10-10, 12-12 मिलियन के बड़े मिल जाते हैं, एक से एक लैविश, दिमाग खराब है, हम अपार्टमेंट ले रहे हैं 18 मिलियन का। पर जो अपार्टमेंट 18 मिलियन का ले रहा है वो कह रहा है इनका दिमाग खराब है जो वहाँ जा रहे हैं, मैं तो बड़ी लग्जरी जगह बैठा हुआ हूँ। तो ये हरेक की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है। और इस हिसाब से इन भाई साहब को जो राहुल साहब का जो जवाब है मुझे लगता है मैंने शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक्चुअली सही है बात कही है। एंड व्हेन यू मेंशन दैट कि जिसके पास पैसा है वो वही सोचते हैं कि मैं है तो मैं क्यों ना खर्च करूं, और जिसके पास नहीं है, जब आपने कहा था ना कि जिस तरीके से हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, लेटेस्ट डेज पे वही एक तरह से घूम के हमारे ऊपर ही आता है, इट डज इम्पैक्ट अस। मेरा एक दोस्त है जी, उसने अभी रोल्स रॉयस ली, ठीक है, और रोल्स रॉयस कार 8 लाख की आई उसके पास जी। तो अब मेरे पास जैसे मजेराटी है, अब वो भी लग्जरी कार है, तो लेकिन रोल्स रॉयस बहुत महंगी है उससे। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने मेरे को। मैं कहा तू तुमको को फर्क नजर आया, कहता देख पीके फर्क नजर नहीं आया, लेकिन मैं रोल्स रॉयस को बैठ के चला रहा हूँ, बस यही फर्क नजर आया। नाइस जी, सिर्फ रोल्स रॉयस के अंदर क्या अच्छा डायलेक्ट था उसका कि मैं रोल्स रॉयस के अंदर बैठ के चला रहा हूँ, यही फर्क नजर आया। क्यों? क्योंकि मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं ले सकता हूँ, एंड आई हैव क्रॉस्ड एंड आई एम वेरी क्लोज टू 70 ईयर्स ऑफ एज, और मैं ले सकता हूँ तो मैं तमन्ना अपने साथ लेके क्यों जाऊँ, मैं क्यों ना पूरी करके चली जाऊँ। है मेरे पास, जिंदगी भर मैंने तपस्या करी, जिंदगी भर मैंने मेहनत करी, जिंदगी भर मैं पेट काटता रहा, और अब मेरे को ऊपर वाले ने दिया है तो मैं ख्वाहिश पूरी कर लूंगा, चाहे गलत है तो भी मैं करूंगा पूरी। अच्छी बात है ना। तो मजेदार बात यह है, आम गाड़ियों में आपको 2-2 महीने की वेटिंग है, और रोल्स रॉयस में आपकी 1 साल की वेटिंग है जी। हाँ जी, ठीक। तो ये सोच है अपनी अपनी सहरा। बिल्कुल पीके जी। एंड तस्लीन जी का एक सवाल, आई लाइक दिस नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, तस्लीन जी बड़ा ब्यूटीफुल नाम है आपका जी। तो उन्होंने आपसे पूछा है, आई थिंक ये ट्रेंड्स रिलेटेड वो कुछ आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट ट्रेंड्स आर यू सीइंग इन द रेंटल मार्केट अक्रॉस कनाडा, एंड आप किस तरीके से इससे कंपेयर करेंगे टू होम ओनरशिप ट्रेंड्स जी। देखिए 2.1% रेंट बड़ा है, लेकिन अगर आप बात करें वैंकूवर की और बात करें टोरंटो की तो यहाँ पर रेंट कम हुआ है क्योंकि इन्वेंटरी बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली जब मार्केट सेटल होगी तो रेंट भी सेटल होगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट बढ़नी बंद होगी एरिया शेयर की तो रेंट भी बढ़ना बंद हो जाएगा। ऊपर से रेंट के ऊपर अभी फोर्ट साहब भी ओंटारियो, अभी आप सुन ही रहे होंगे कल न्यूज में, आपकी वाई मीडिया में भी आ रही थी, फोर्ट साहब कुछ ला रहे हैं पॉलिसीज रेंटल की, देखो अब क्या कहां तक लाते हैं। पर मुझे लगता है कि रेंट ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, रेंट अभी वो स्टेबल से रहेगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से चलेगा 1.5-2% बस। एंड पीके जी आपने फोर्ड मेंशन करी तो मैं फेडरल गवर्नमेंट मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, जो रिसेंटली आया था रीफाइनेंसिंग फॉर यू नो सेकेंडरी होम, उसके ऊपर एक कुछ अपडेट आई थी, कुछ रिपोर्ट आई थी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्रिस्टिया फ्रीलैंड या उन्होंने अभी 8 अक्टूबर को ये अभी उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है अनाउंस कर रही है मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग प्रोडक्ट, वो उसके लिए आप सेकेंडरी सुइट अगर आपको अलाउड है बनाना आपके घर में सेकेंडरी, तो आपको 90% तक जो है आपको मॉर्गेज मिल सकती है, उसके बाद अप टू 90% रीफाइनेंस हो सकता है, अप टू 90%। पहले था 70-75 और मैक्सिमम कोई बैंक 80 तक देते थे, अब 90% तक चले गए वो लोग सेकेंडरी सुइट्स के लिए। प्लस उन्होंने कहा कि 30 ईयर की जो अमोर्टाइजेशन है उससे बड़ा बेनिफिट होगा, और तीसरा उन्होंने जो ये भी कहा था कि 2 मिलियन की एक लिमिट डाल दी, उसके आगे नहीं जाएंगे। प्लस उन्होंने ये भी कहा था जब आप रिन्यू के लिए जाएंगे दूसरे बैंक में तो दोबारा स्ट्रेस टेस्ट नहीं होगा। ये कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ले रही है स्टेप सारे, और ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, अभी नहीं है, 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। इसका भी मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ये मैं बता दूं कि 90% तक लोन मिल जाएगा भाग पड़ो बैंक में लोन लेने के लिए, लेकिन एक उसमें कंडीशन है, आपकी इनकम जस्टिफाई करनी चाहिए। ये ना हो कि आप बोले 90% मिल रहा है, मेरे को 1 मिलियन का घर है 9 लाख दे दो, उसके लिए इनकम भी आपको 9 लाख की इनकम के लिए भी आपको लगभग 2 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए आज
कल को कम हो सकती है। यानी कि आपकी अगर इनकम जस्टिफाई करती है आप 9 लाख तक का रीफाइनेंस अपने सेकेंडरी यूनिट के लिए करा सकते हो। सारा मेरा गला थक गया, आप जरा बंद करें। ओके सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। मैं फिर चलते चलते बताता हूँ जी। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज डालिए, कॉल मैं नहीं उठाता, मेरा फोन फॉरवर्ड होता है टू माय असिस्टेंट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। टेक्स्ट मैसेज इज द फास्टेस्ट वे, आई कैन रिप्लाई, आई कैन कॉल बैक। 6472994757, 6472994757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डालिए फॉर एनी इंक्वायरी ऑफ रियल एस्टेट। हमारे पास ऑफिस में सारा डिपार्टमेंट है, रीसेल का डिपार्टमेंट बहुत शानदार है, ब्रोकर्स हैं, लीजिंग डिपार्टमेंट हमारा अपना है, कमर्शियल और लैंड के लिए भी हमारा डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्री कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा डिपार्टमेंट है, इन हाउस लॉयर है, इन हाउस हमारे पास मॉर्गेज ब्रोकर है, यू नेम इट वी हैव इट, वन विंडो सर्विस फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेगोशिएशन। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6472994757, 6472994757। थैंक यू सो मच पीके जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इतनी सारी जो है बातें करते हैं हमारे साथ, यू नो हमारी जो नॉलेज है इन रियल एस्टेट एक तरीके से बहुत इंक्रीज होती है, एंड वी गेट द रियल एस्पेक्ट ऑफ इट। कुछ कुछ चीजें जो है रीड करने के बाद ना रिपोर्ट नहीं समझ में आती है, ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ, बट द वे यू एक्सप्लेन इट इन कंप्लीटली सिंपल लैंग्वेज रियली अप्रिशिएटेड। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कंटिन्यूड सपोर्ट। बाय, टेक केयर। क्या बात है, पीके जी जुड़े हुए थे हमारे साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सवाल, ढेर सारी बातें हुई उनके साथ, एंड बिल्कुल आप उन्हें जरूर कॉल कर, उनको टेक्स्ट कर सकते हैं बिल्कुल कोई भी, अगर आपके रियल एस्टेट के रिक्वायरमेंट्स हो, नीड्स हो, क्वेश्चंस हो, यू गिव हिम अ टेक्स्ट अपने पूरे नाम के साथ जरूर टेक्स्ट कीजिएगा, एंड यू विल गेट अ कॉल बैक विद इन 24 आवर्स। यू नो लॉन्ग बहुत टाइम से हमें सपोर्ट किए हैं पीके जी, एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल मैन, अ ग्रेट मैन इंडीड, एंड उन्होंने अपनी जो एक्सपर्ट है, उनकी जो अपनी फील्ड है उसमें उन्होंने एक्सपर्ट तरीके से नॉलेज जो है वो गेन करी है, एनालिसिस करे हैं। देखिए कोई भी सवाल कुछ भी आता है, कोई भी कोने से सवाल आता है, ही नोज द आंसर टू इट, एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक्स हिम somebody दैट वी ऑलवेज लव टू लिसन टू, राइट।